हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शाहब। गाइस, गमका मेडिकल के अंदर में क्या क्या चेक होता है इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि गमका मेडिकल शुरू से मेरा एक मोटिव रहा है, एक मेरा इंटरेस्ट रहा है। गमका मेडिकल से मैं अपडेट करता हूं लोगों को, और बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में होते हैं गमका मेडिकल के रिगार्डिंग। वीडियो चाहिए उनको, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अपडेट करते रहता हूँ बीच बीच में गमका मेडिकल के लेकर के। और इस वीडियो में यही बात करूँगा गमका मेडिकल में अब क्या चीज़ ऐड हुआ है, पहले क्या था और अब क्या है, किस तरह की टेस्ट्स के अंदर और ऐड हुआ है, और क्या संभावनाएं हैं, पहले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ है क्या गमका मेडिकल, इस सब छोटी छोटी चीज़ों पे बात करूंगा। गमका मेडिकल से अगर आप रिलेटेड हैं, आप वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इसको देखिए, आपको बहुत काम आएगा। गाइज, आइए गाइज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। माय डियर फ्रेंड्स, इस चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी सपोर्ट, आपकी प्यार की ज़रूरत है। और हर तरह के गमका मेडिकल के रिगार्डिंग नहीं, जॉब, करियर, बिजनेस, हर तरह की मैं वीडियो देता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज़ गमका मेडिकल की बात कर लेते हैं। गमका मेडिकल में पहले क्या होता था कि जो आपका नॉर्मली, और अभी भी होता है, पहले क्या होता, क्या मतलब अभी भी हो रहा है, अभी भी होता है और ये होता ही रहेगा, आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, आपका आई टेस्ट किया जाता है, आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है, ठीक है, आपके लंग्स के अंदर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपका ट्यूबरक्लोसिस चेक किया जाता है, आपको जॉन्डिस, टाइफॉइड, मलेरिया, इस तरह की तो कोई बातें नहीं है, आपको HIV की कोई इश्यूज़ तो नहीं है, आपका हेडोसिल ज़्यादा ओवरसाइज तो नहीं है, आप जो है किसी तरह का कोई मेजर किसी एक्सीडेंट का या किसी चीज़ का शिकार प्रीवियस आपका हिस्ट्री रही है, आपका एक्सीडेंट हुआ था, कोई चीज़ आपका फ्रैक्चर हुआ है, अभी वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ क्वेश्चन किया जाता है गमका मेडिकल के अंदर में। ये सवाल होती है कि भाई आपने कभी एक्सीडेंट हुआ है आपका लाइफ में, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखना है, आपका फिंगर, हाथ, पैर, आँख सब तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। वहाँ पर जाने के बाद आपको जॉब करना है, आपको वर्क करना है, आपको फिजिकली वर्क करना है, तो आपका जो बॉडी है उस काम के लिए कैपेबल है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप सपोज आप लेबर में जा रहे हो, या आप इंजीनियर में जा रहे हो, आप मैनेजर में जा रहे हो, तो भाई काम तो करना है, और काम करने के लिए आपका बॉडी सक्षम है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे टेस्ट किए जाते हैं। स्पेशली चेस्ट का एक्सरे बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें 90% जो गमका मेडिकल अनफिट होता है उस चेस्ट के लेकर के होता है, चेस्ट का इशू होता है, चेस्ट के अंदर में स्पॉट आ जाता है, ब्लैक स्पॉट, वाइट स्पॉट, किसी भी तरह का स्पॉट आएगा, और एक्सरे आपका गमका मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। और एक बार अनफिट हो गया तो 3 महीने तक आप फिर दोबारा गमका मेडिकल नहीं करा सकते हैं, मिनिमम 3 मंथ्स, और 6 मंथ भी हो सकता है, इट्स डिपेंड कि कितना मेजर आपके अंदर इशू है। कोई बड़ा अगर इशू है तो लाइफ टाइम भी बैन हो सकता है, जैसे HIV वगैरह अगर कुछ मामला निकल गया तो लाइफ टाइम बैन कर सकते हैं, ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी आप नहीं जा सकते हैं काम करने के लिए, ठीक है ना। गमका मेडिकल आपका बैन हो सकता है उस पासपोर्ट पर। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, और जैसे कि मैंने बताया यूरिन टेस्ट होता है, आपका एक्सरे लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड में बहुत तरह की टेस्ट होती है उसके अंदर में, ठीक है, और आपका आई टेस्ट किया जाता है, बॉडी आपका देखा जाता है, स्किन टेस्ट किया जाता है, आपका वेट किया जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं देखा जाता है। एज के हिसाब से भी मेडिकल में ज़्यादा एग्जामिन, अगर आपका एज अबव 35-45 है तो उसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा वो लोग मेजर चेक करते हैं, ठीक है ना। और अगर यंग हैं आप 25-30-35 भी हैं तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 40 से अबव जाते हैं तो थोड़ा सा वो लोग डीपली चेक करते हैं। और भी अभी ऐड किया हुआ है COVID-19, अभी कोविड का एक टेस्ट आपको ज़रूर उसमें ऐड कर दिया जाएगा, जब भी आप गमका मेडिकल कराने जाएंगे तो कोविड टेस्ट चाहिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि वैक्सीनेशन तो होना ज़रूरी है बाहर जाने के लिए, कभी भी आप आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री आप जाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए, तो डबल डोज वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप वैक्सीन ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले लीजिए, दोनों वैक्सीन बहुत ज़रूरी है गाइस। तो ये कुछ अपडेट्स था, लोग पूछते रहते हैं कि भाई क्या क्या चेक होता है ऐसा वैसा, तो होता है बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे आँखों में चश्मा लगाता हूँ। भाई चश्मा क्या है, चश्मा लगाने से कुछ सभी लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाते होंगे, कोई इशू नहीं है। आई में अगर थोड़ा सा है चश्मा पे, अगर आपको ठीक दिखता है तो कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हैं, मेडिकल आपका अनफिट नहीं होगा गाइस। और छोटी छोटी चीज़ों को आप घबराइए नहीं, आप बहुत ज़्यादा आप लोग हाइपर हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं कि मैं क्या करूं, लूट जाऊंगा, बर्बाद हो गया, मेरा नसीब अच्छा है, भाई ऐसा नहीं है। अगर कोई मेजर इशू है जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, चेस्ट में दाग है, लंग्स में दाग है, ठीक है, आपके जब आप मेडिकल कराने के लिए जाते हो उस पीरियड में आपका कोई टाइफॉइड है, आपको मलेरिया है, ब्लड में आ गया, तो फिर ऐसे कंडीशन में ही आपका
गम का मेडिकल अनफिट हो जाता है। और जिसको अनफिट हो गया भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर ट्रीटमेंट कराओ। जो GCC डॉक्टर्स है, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है GCC डॉक्टर्स के बारे में, आप ऊपर में मैं आई बटन में मैं दे दूंगा या उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देखो कि जिसका मेडिकल अनफिट हो जाता है उसको क्या करना चाहिए, किस तरह की ट्रीटमेंट लेना चाहिए। गाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको इसमें इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे गाइज। सो गाइज ये चीज़ मुझे बताना था, आई होप आप समझ गए होंगे। और किसी तरह की कोई आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, किसी तरह का कोई इशू आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। गाइज इस चैनल को पहली बार हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, हर तरह की बातें होती हैं। और इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।